अबे मेरे भाई कर्नल, तू यहाँ क्या कर रहा है? देख फ्रैंकलिन, बात ऐसी है, तू मेरा सगा भाई है, पर तेरे जो कारनामे हैं उसकी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है। अगर मिलिट्री वालों को पता चला कि तूने इतना गंदे काम किए तो मुझे मिलिट्री से ही निकाल देंगे। उसमें तुम बड़े गंदे काम करते हो, देख रहे हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे घर पर आ गया तुम्हारे लठ बचाने। अब भाई नहीं यार, देख यार प्लीज यार मत कर ऐसे। मेरे को नहीं पता, तू ये घर छोड़ दे, इतना सारा तूने कर्जा कर लिया है, मैं मेरी नौकरी से भी हाथ धो बैठूंगा तेरे चक्करों में। प्लीज मेरी सारी संपत्ति मुझे वापस कर दे। भाई प्लीज यार ऐसे मत कर, अगर तुम उससे सारी जमीन जायदाद ले लेगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? सुन रहे, तुम तो जाओगे फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, फिर हम लोग कहाँ ठहर ठहर की ठोकरे खाएंगे। मुझे नहीं पता, तू ये सब छोड़ के चला जा प्लीज। अबे यार मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, असल में मेरे भाई की जमीन जायदाद मैं यहाँ पर कब्जा करके बैठा हुआ था, पर अब यार मेरे को यहाँ से जाना ही होगा। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार, मैं कुछ भी नहीं कर सकता अब। सुमित भैया कहाँ जा रहे हो? सिंचन अप्पा बगा, यहाँ से जाना पड़ेगा अब। सुन रहे, फिर कहाँ जाने का सोचा है? तुम्हें ये तो बता दो हमें। अब मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं क्या करूंगा, कहां पर रहूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई मेरे। सिमदे यार बड़े अजीब आदमी, तुम्हारे पास खुद का घर भी नहीं है, तुम अपने भाई के किराए पर रह रहे थे, अब मैं क्या कर सकता हूँ यार? सिमदे तेल लगा लो जाके कहीं पर। सिमदे यहाँ पर क्या करने जा रहे हो अब तुम? अब पागल, अपने पास पैसे थोड़ी है कोई, भाई इस गाड़ी को जाके सेल करूंगा, मोटरसाइकिल को, उससे पैसे मिलेंगे थोड़े बहुत। और भाई सैमन क्या हाल है? अरे यार सुमित तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे यार तुझे पता है मेरा भाई है यार, उसने मुझसे सारी जमीन जायदाद वापस ले लिया और मैं चाहता हूँ तू मेरी मोटरसाइकिल खरीद ले। अरे बता कितने में देगा? भाई $10,000 में। अरे पागल है क्या, 10,000 में तो मैंने तुझे दी थी यार, मैं 5,000 ही दे सकता हूँ इस गाड़ी के। तो ठीक है यार, तू $5,000 दे दे। अरे हाँ ठीक है, डील डन यार। भाई सिंचन, $5,000 में मैंने मेरी फरारी बेच दी। उसमें कहाँ जा रहे हो फिर बेच के? अभी कहीं तो चलते हैं ना तो पीछे। तो गाइस यार अभी मेरे पास सिर्फ $5,000 है, और गाइस मेरे को रहने के लिए कमरा चाहिए। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर गरीबों वाली बस्ती में रह लेता हूँ, यहाँ पर सही में जो कमरे हैं इतने ज्यादा सस्ते मिलते हैं, मतलब मैं $2-3 में यहाँ पर रह सकता हूँ। ओके भाई चलो यार मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे को कोई कमरा ज्यादा खास अच्छा लग नहीं रहा यहाँ पर। उसमें एक काम करो, यहाँ खुले में रह लेते हैं। पागल है क्या, मेरी कुल्फी जम रही ठंड की मारी, पागल यहाँ कैसे रहेंगे हम लोग? मजा आ गया यार गरम गरम चाय पी के। उसमें मेरे लिए क्यों नहीं मंगाई? बस तेरे को चाहिए नहीं थी इसलिए नहीं मंगाई भाई तेरे लिए। मजा आ रहा भाई, बहुत गर्म है, ओ बिट्टे मजा आओगे सर्दी में गर्मी का एहसास। ओ छोरा मेरी मदद कर दो, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए तो दे दो बेटा, भगवान तुम्हें बालक देगो। सुमित भाई भिखारी आदमी कौन आ गए? अबे सिंचन किसी को ऐसे नहीं बोलते। ओ बहुत बोलो अंकल जी, आपको क्या चाहिए? ओ छोरा पीने को दिए थे पऊ तो ना है बाबा अमेरिकन, ओ और कुछ दिया दे तो? ठीक है तो आपको लो या मेरी कॉफी पी लो। ओके तो गाइस यार मैंने मेरी वाली कॉफी इन बूढ़े अंकल को दे दी है। ओ छोरा मजा आ गया, बहुत मीठी मीठी है। अरे बाबा जी कोई बात नहीं है। सुमित भाई बाबा ने तो मौज ले ली पूरी पूरी। अरे वो तो बात ही है। सुमित भाई बाबा जी ढोंगरी के लिए। सिंचन ये क्या हो गया एकदम? उसने भाई तो वही पूछ रहा हूँ। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं खुद एक भगवान हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ, पर तुम्हारी नियत इतनी साफ है कि मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। सिंचन भाई क्या देना चाहता है? सिंचन कोई वरदान की बात कर रहा है? दे दो बाबा जी दे दो वरदान। ओम भूर भविष्य भद्रमंद्री। उसमें बाबा जी कहाँ गायब हो गए? अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और मेरी कॉफी और ले गए यार ये तो। उसमें बड़े ढोंगी बाबा थे सही में। गाइस यहाँ करके तो लोग ही खराब है भाई, एकदम कोई कॉफी पी के चमत्कार कर देता है, पता नहीं यार मेरी कॉफी और छीन ली फालतू की। उसमें सही कह रहे हो, चले यहाँ से चलते हैं वरना ये लोग हमें लूट के खा जाएंगे, वैसे हमारे पास रुपए कम है। सिंचन एकदम सही बोल रहा, वैसे ही पैसे कम है, ऊपर से यार हमारी कॉफी और छीन ली। उसमें छीनी भी नहीं बिल्कुल नहीं, तुमसे खुद ने दी थी तुम्हें। अब मेरे को लगा कोई गरीब आदमी, मेरे को नहीं पता सूट बूट पहन रखे नीचे उसने। उसमें कहाँ पर जा रहे हो अब और कहीं जाऊंगा ना फिर तो टैक्सी मंगाता हूँ, और कोई गरीब इलाके में चलते हैं वहां पर जाके कमरे खरीदता हूँ सस्ते में मिलेंगे। अरे वो टैक्सी वालों कहाँ मर गए यार, इतनी देर पहले तो फोन मिलाई थी, आ जाना। ओके तो गाइस यार टैक्सी वाला आ चुका है भाई, देख कहाँ पर टैक्सी रोकी इस पागल ने भाई, वहां पर बुलाया था इसको। और भाई ठीक है कि टैक्सी वाले कहाँ पर जाएगा? अबे यार मेरे को असल में जाना है दिल्ली। मेरी गाड़ी सोने की हो गई, ये कैसे हुआ? उसमें ये कैसे हो गया, इसकी गाड़ी सोने की कैसे हो गई? मुझे खुद नहीं पता भाई। ओविडू शुक्रिया, तुम्हारा गुड लक मेरे को मिल गया। ओ भाई यार ये सोने की गाड़ी लेके जा रहे मेरी आंखों के आगे से, बड़ा अजीब है। उसमें यहाँ पर क्या करने आए हो? बाल कटवाने आया हूँ यार, काफी दिन हो गए बाल कटवाए। ओ मैडम जी क्या हाल है? मैं बढ़िया, तू बता टकले? अब टकला कहाँ से देख रहा हूँ तेरे को मैं। हाँ दो बाल है, एक बार काम करते कटिंग कर दे बढ़िया। अरे कटिंग तो मैं ऐसी करती बिल्कुल जिल्मी, देख बेटे हीरो बना दूं।
दूंगी तेरे को लगा के तेल चप्पल। हट 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 आगे सेट मोटी। मजे नहीं आया यार, ये क्या ढेरे से लगा दी सिर पे। अरे निकल ले, इतने भी इतना ही होगा। ठीक है चिल्ला मत। अब मैं क्या करूँ यार, $2 में तो ऐसी कटिंग होगी ना, उसमें बिल्कुल बावली तरेड़ लाग रहे हो। अरे सिंचन यार, ऐसी कोई बात ना है, तू आजा जल्दी सी। उसमें वो टैक्सी वाले की गाड़ी आखिर हीरे में सोने में कैसे हो गई? मुझे नहीं पता सिंचन, तुझे पता है तो बता देना। उसमें मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या चल रहा है। ओके यार, अब मैं कोई काम ढूंढता हूँ यार करने के लिए। $12 देंगे भाई एक दिन के काम करने के। चल सिंचन, यहाँ पर गाड़ियाँ साफ कर लेते हैं। ओके चलो चलो। ओए 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 वीडियो, हेलो हेलो। हाँ भाई, क्या हो गया? अबे वीडियो यार, मेरे घर में मेरी मम्मी की शादी है, उसके लिए यार मैं पैसे जमा कर रहा हूँ यार। ये गाड़ी खरीद ले यार मेरी। गाड़ी यार तेरी अच्छी तो नहीं लग रही। वीडियो बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, $2000 में। ओके ठीक है भाई यार, $2000 में गाड़ी दे रहा है, मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ। ओके वीडियो, $2000 भेज देते रखो। वीडियो मजा हो गया। ओके तो गाइस यार, मैंने $2000 में ये हरे कलर की गाड़ी खरीद ली। आदर्श सिंचन, उसमें ये वाली गाड़ी भी सोने की हो गई। अबे क्या हो रहा है ये? उसमें मेरे को तो लगता है उस चमत्कारी बाबा का कमाल, वो भिखारी जो तुम्हारी कॉफी पी गया, उसने हमें ये वरदान दिया है। वो ऐसे कुछ कह रहा था हमें वरदान की। सिंचन तू सही कह रहा भाई, उसने अपा को ये चमत्कारी वरदान दिया है, जिससे अपने पास ये सुपर पावर आ गई है। अब तो आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ओ बहुत सिंचन सही कह रहा है। उसमें आप कहाँ जा रहे हो हम लोग? अब भाई मुझे पता है आखिर इस गाड़ी को कौन खरीदने वाला है। उसमें कौन खरीदेगा? अब बता रहा हूँ ना तेरे, हर चीज की इतनी जल्दी क्यों लगी रहती पागल। उसमें तुम वापस घूम फिर के साइमन की दुकान पर आ गए। अब यही तो गाड़ियाँ खरीदता है भाई। अरे सुमित तुम फिर से आ गए मुंह उठा के, क्या चक्कर है? कभी तुम गाड़ी ला रहे हो, कभी तुम मोटरसाइकिल ला रहे हो, क्या चोरी वोरी कर रहे हो क्या? अब नहीं नहीं यार साइमन, मैं चोर वोर थोड़ी। अरे यार सिकल से दिखता है तू। हाँ सुमित भाई बिल्कुल सिकल से चोरी दिखते हैं। अब तुम लोग पागल तो नहीं हो? नहीं यार साइमन ऐसी कोई बात नहीं है, पर तू यार बता गाड़ी कितने में खरीदेगा? अरे यार तू सोने की गाड़ी कहाँ से लेके आया ये तो बता दे। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ से लेके आया हूँ। अरे अरे ठीक है बता कितने लेगा भाई इस वाली गाड़ी के? तो मैं कम से कम $6 million मांगूंगा तुझसे। $6 million तेरी मम्मी ने भी देखे? अब तू पागल है, सोने की गाड़ी है वो, $6 million तो मैं लूंगा भाई सीज के। ठीक है ये ले $6 million तेरे अकाउंट में भेज दिए। ओ माई गॉड साइमन, लव यू यार, डील करके बड़ा अच्छा लगा। ओके भाई साहब, यहाँ पर ये स्पोर्ट्स कार खड़ी है, मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, देखने में तो एकदम तेल लग रही है। ओके तो चल आजा सिंचन, चलते अब जल्दी सी। उसी में आप कहाँ जाओगे? ओ माय गॉड, ये वाली गाड़ी भी सोने की हो गई। अरे ये क्या है, ये सोने की कैसे हो गई? वापस दे मेरी गाड़ी। अब निकलने टकले तेरी गाड़ी वापस। उसमें आप कहाँ जा रहे हम लोग? अब मुझे पता है ये वाली गाड़ी किसको बेचनी है। उसमें बार बार क्या है, खरीद रहे हो बेच रहे हो। अब पागल है क्या? इसी को तो बिजनेस कहते हैं। उसमें तुम्हारे अंदर दिमाग भी है बिजनेस करने का, जो तुम्हें मेरे को पाठ पढ़ा रहे हो। अब पागल मत बना, मेरे को मारूंगा बहुत बुरा। उसमें ये क्या है, माइकल के घर में क्यों आ गए तुम? अब यार उसकी बीवी है ना, उसको यार ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ बहुत पसंद है, उसी बेचता हूँ। भाभी जी राम राम। अरे वाओ, अरे भैया जी क्या गाड़ी लेके आए हो सुमित भैया? अरे भाभी जी आपके लिए ही लेके आए हैं। अरे यार फ्रैंकलिन, ये क्या कर रहा है तूने? ये गाड़ी यहाँ क्यों लेके आ गया तू? अरे मेरे को ये गाड़ी बहुत पसंद आई, अपनी फ्रेंडों को जलाऊंगी दिखाऊंगी, मेरे को ये चाहिए पति देव ये गाड़ी किसी भी हालत में। ठीक है भाभी जी, आपके लिए सिर्फ 20 million में। 20 million भेज देना, गाड़ी लेके जा रही हूँ मैं। क्या तेल गाड़ी है? अबे बावली पूछ, सुमित तू यहाँ पर ये गाड़ी क्यों लेके आया? अरे अरे यार मैं तो बेचने लाया था ना। अरे मेरा ही घर मिला तेरे को गाड़ी बेचने के लिए मूर्ख। अरे यार ऐसा क्यों चिल्ला रहे यार, पता तो मित्र है ना। वो मित्र से $20 million कौन लेता है? अबे ठीक है यार, तू मेरे को $10 million दे दे। ठीक है ये ले $10 million तेरे अकाउंट में। अरे यार तू बड़ा अच्छा आदमी है। उसमें निकल ले यहाँ से, मेरा चप्पल मारेगा इस बार मुंह पे घुमा के। अब सही कह रहा है, निकल ले यार यहाँ से, यहाँ पर अपना डेरा ना जम रहा, जल्दी भाग सिंचन। उसमें जल्दी फेंक दो। अबे ये क्या लोकल गाड़ी, ये सोने की गाड़ी थोड़ी है, नई कलर का ला रखा। तो गाइस गाइस गाइस, उसमें बताओ ना क्यों गाइस गाइस कर रहे हो? तो गाइस यार तुम्हारे भाई ने एक नई गाड़ी खरीद ली है, और गाइस एक नया घर भी खरीद लिया है। चलो यार तुम्हें वो घर दिखाता हूँ। तुम्हारे भाई ने इंटरनेशनल बिजनेस भी सेटअप कर लिया है भाई, उसके अंदर मैं गोल्ड कार सेल करता हूँ, और भाई उससे मैं बहुत बड़ा मिलियनेयर बन चुका हूँ। तो गाइस देखो, चलो अब तुम्हें जल्दी अपना मैं घर दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है अपना घर, कुछ देखो यार, मेरे को तो लगता है ये कुछ अलग ही चलो है भाई। पूरे लॉस सैंटोस में ऐसा घर नहीं मिलेगा आपको जैसा मेरा घर। देख रहे हो अंदर, देख रहे हो क्या हुसन की परिया बैठी है, और कितने सारे गार्डन है। और चलो तुम्हें अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पर अपना रेड कार्पेट है, यहाँ पर अपना मस्त, देख रहे हो क्या सीनरीज है, और क्या ही मस्त फ्लावर और लोटस लगा रखे तुम्हारे भाई ने। और चलो तुम्हें और आगे दिखा देता हूँ, देख रहे हो ये शीशा लग रहा है यहाँ पर। और गाइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये वाला भाई मैंने सीढ़ियाँ लगा रखी है, देख रहे हो कितनी तेल सीढ़ियाँ। और यहाँ पर बहुत सारी महंगी महंगी जितनी भी तुम्हें आर्ट दिखी रही है ना, यहाँ पर सारी सारी एकदम महंगी आर्ट है यार। और यहाँ पर अपने एक नकली की स्ट्रॉबेरी भी रख रखी है। तो चलो अब तुम्हें जल्दी से दिखा देता
बताऊं आगे तो गाइस यार देख रहे हो और एकदम फैंसी हाउस है भाई, बिल्कुल ब्रांड न्यू बनवाया तुम्हारे भाई ने। जितनी भी टेक्नोलॉजी लग सकती थी ना सारी सारी मैंने लगवा दी। बोला बात है लिफ्ट नहीं लगवाई मैंने, लिफ्ट की जरूरत नहीं यार मेरे को, थोड़ी बॉडी बनानी इसलिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आएंगे। तो गाइस यार कुछ ऐसा अपना घर है, बताना कैसा लगा आप लोगों का। यहाँ पर नकली की केला भी रखी है, खाने तो खा लेना। तो गाइस यार मुंह फूट गयो, बचगो अरे गलत भाई, मेरे को यार सीढ़ियां नहीं लगवानी थी। अरे मम्मी मर को सीढ़ियां नहीं लगवानी थी यार, मेरे को लिफ्ट लगवानी थी, बाद में चेंज करा लूंगा। तो गाइस यार आज के बस इतना ही है, होप आपको आज गेम प्ले अच्छा लगेगा। अच्छा लगे मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार बोले बट के आ गए तो सब्सक्राइब याद से कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना। और गाइस मैं मिलूंगा इससे कोई नए गेम प्ले में कोई नई स्टोरी के साथ, जब तक के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाओ और ऐसे ना हो क्या हाल है निकल ले। तो गाइस बाय बाय।